हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरुणा एस अकेडमी पे। और मैं सौम्या, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज के साथ। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव जजमेंट जो है वो आ चुकी है, और ये जजमेंट है नीट एग्जाम के ऊपर। अब बात ये है, आप सभी को पता होगा नीट का पेपर जो है इस बार जिन बच्चों ने नीट दिया है उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, जहां बच्चों को, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। माना जा रहा है पेपर जो है वो एक्चुअली पहले ही लीक हो चुका था। कुछ कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे पेपर अपलोड हो गया था, तो कुछ कह रहे हैं कि पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर किया जा रहा था। अब इसके चलते जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ अपने सालों साल जो है इस पेपर को दिए, उनके लिए एक बहुत हताश और निराशाजनक सिचुएशन पैदा हुई। जहां नीट के पेपर में मैक्सिमम नंबर 720 मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए या एक क्वेश्चन छूट जाए तो 716 या 715 नंबर मिलते हैं, वहीं कुछ बच्चों को 717, 718, 719 नंबर तक दिए गए। जब इसकी कार्यवाही हुई तो केस बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, अलक पांडे वर्सेस एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है नीट के पेपर को क्लियर कराने के लिए। अब आपको बता दें, जो नीट का एग्जाम है बहुत बड़े पैमाने में कंडक्ट किया जाता है, यानी 25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं नीट का पेपर लिखते हैं, सालों साल से जो है इस पेपर का इंतजार करते हैं और अपना बेस्ट एफर्ट्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों का हार्डवर्क, उनकी उम्मीद इस पेपर से जुड़ी हुई है, और इस पेपर में इतनी बड़ी धांधली, इतने बड़ी धोखेबाजी ने उन बच्चों को पूरी तरीके से हताश कर दिया है। बहुत ज्यादा बच्चे निराश हैं और आक्रोश से भी भरे हुए हैं। बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है इस बेंच को खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ वो लीड कर रहे हैं। आज इसकी लाइव जजमेंट जो है वो सामने आई नीट की, और डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा साफ तौर पे बोला गया कि अगर पूरे एग्जाम को री कराना है, यानी रीनीट, हैशटैग रीनीट का भी जो स्लोगन है वो चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप देखेंगे, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, 25 लाख लोग जो है यानी स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम में अपीयर करते हैं। दोबारा से रीनीट कराने का मतलब है उन 25 लाख के 25 लाख लोगों को जो है वापस से एग्जाम की प्रोसेस में कंडक्ट कराना। बच्चों का समय, एनर्जी, टाइम, मनी, सभी का जो है यहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हैरेसमेंट होगा। हालांकि अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो किस पैमाने पे हुआ है। अगर पेपर लीक एक छोटे पैमाने पे हुआ है तो फिर उन बच्चों का रीनीट कराया जाएगा, अगर पेपर लीक एक बड़े पैमाने पे हुआ है तब जो है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है दोबारा से रीनीट कराने का। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पूरा पेपर रीनीट कराने का जो है कोई विचार नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, जो अभी तक की जजमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग, कि पेपर जो लीक हुआ है उसने लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया है, यानी कि पूरी पूरी आशंका है कि इन 1.5 लाख स्टूडेंट्स का रीनीट कराया जा सकता है, यानी कि री एग्जाम कराया जा सकता है। तो पूरा पेपर दोबारा होगा इसकी आशंका बहुत कम जताई जा रही है, और जो बच्चे लीक का शिकार हुए या ग्रेस मार्क्स का शिकार हुए उनका पेपर जो है कुल मिला के रीनीट यानी कि री एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात यह है कि अभी भी एक फाइनल जजमेंट, फाइनल डिसीजन नहीं आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है देख रही है कि किस पैमाने पे पेपर लीक हुआ है, वही लोगों के दिल में, लोगों के मन में आक्रोश भरा पड़ा है। एनटीए की तरफ से, एनटीए की बॉडी के लिए जो है, यानी एनटीए को बंद कराने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि एनटीए का काम है पेपर को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराना, और अगर वही काम वो सही नहीं कर पाए तो बंद कर दीजिए एनटीए को। लोग जो है हताश है, परेशान है, और होना भी चाहिए भाई। हमारे बच्चों की जिंदगियां जो है कुल मिला के इस एग्जाम से जुड़ी हुई है। जो बच्चे अपने आप को डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं, अपने आप को जो है एक तरीके से मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को जो है अपीयर करते हैं। और मैं बता दूं कि एग्जाम इतना आसान नहीं होता है, एग्जाम अपने आप में एक मुश्किल एग्जाम है,
और पूरा डेडिकेशन, फोकस, सालों साल बच्चों का जो है यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो शिद्दत के साथ स्पेंड कर देते हैं सिर्फ इसके लिए कि एक दिन एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा, सीट मिलेगी, कॉलेज जा पाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। बट अगर इतनी ज्यादा धांधली होगी, इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे पेपर लीक होगा तो कैसे काम चलेगा, बस ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। जहां एक तरफ पेपर लीक हुआ तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो वहीं तीसरी तरफ एनटीए की कामचोरी भी पकड़ी गई, यानी एनटीए जो है वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मैटर अपने अंडर में ले लिया है, खुद जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो आपके चेयरपर्सन है जो कि इस पूरे केस को लीड करेंगे। आज इसकी सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान यही आशंका जताई गई है कि पूरे एग्जाम को जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। हाल फिलहाल के जो अभी तक की सिचुएशन है वो यही है कि जितने बच्चे इस लीक से इंपैक्ट हुए हैं, माना जा रहा है कि एक से डेढ़ लाख बच्चे हैं जो कुल मिला के इस लीक से इंपैक्ट हुए हैं, तो माना जा रहा है कि उन्हीं का पेपर जो है वो रीकराया जाएगा, यानी कि रीनीट जो है वो उन्हीं बच्चों का कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात यह है कि अभी पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुल मिला के ये है कि बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं या जो पेपर हो रहे हैं वो होने से पहले ही उनको डिले कर दिया जा रहा है। तो या तो पेपर डिले कर दिया जा रहा है या पेपर हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं तो लीक हो रहे हैं, और लीक हो रहे हैं तो कुल मिलाकर लोगों के मन में हताशा जाग रही है। वहीं एक तरफ जहां भर भर के बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ फ्रॉडबाजी और धोखाधड़ी है। जी हां, यूपीएससी का केस आपने देखा जहां दो आईएएस ऑफिसर पूर्ण रूप से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने अपनी नौकरी को लिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं आईएएस पूजा खेडगर और आईएएस अभिषेक सिंह का। तो बात यह है कि इतनी सभी धांधली के बीच एक होनहार बच्चा जो सपने देखता है कि कल उसकी जिंदगी में सुधार आएगा शिक्षा के बाद, अगर इतनी धांधली होगी, इतनी धोखाधड़ी होगी, इतनी धोखेबाजी होगी तो वो सुधार कहां से आएगा? एक प्रेशर बनता जाएगा और शायद इसी प्रेशर का शिकार जो है वो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और यही प्रेशर सुसाइड करने पे उन्हें मजबूर कर देता है। तो ये मैटर सिर्फ लीक का नहीं है, ये मैटर है एक बच्चे की जिंदगी का, उसके फ्यूचर का, जो कि हमें सोचना होगा। भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा है, अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूर्ण रूप से सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो एक डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो इस बात का हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, धांधली, धोखेबाजी, फेकबाजी, फ्रॉडबाजी, ये सभी को जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हमें एक भारत देश को एक नए भारत में बदलाव देखना चाहते हैं, तो एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ही जो है एंड करते हैं। आशा करती हूं आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी के साथ आईएएस तरुण चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड हैव लुक ओवर यू।